इसके ऊपर परिचर्चा का आयोजन हमारे सच्चिदानंद उपासने जी के द्वारा, लोकतंत्र सेनानी के द्वारा आयोजन किया गया। और इस आयोजन में कि आने वाले समय में क्या हम इस देश में लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ करा सकते हैं, हमारे पत्रकार साथी और हमारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सभी ने भाग लेकर के इसमें चर्चा को और आगे बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कि इसको समाज के बीच में, विधिवेत्ताओं के बीच में, अधिकारियों के बीच में और बाकी जनता के बीच में ले जा करके इसके जितना ज़्यादा हम चर्चा करेंगे उतना उसका सुखद परिणाम आएंगे। वास्तविक में जब देश के आज़ादी के बाद में पहले बार 1952 में चुनाव हुआ तो 1952 से लेकर के 1967 तक ये चार चुनाव एक साथ विधानसभा और लोकसभा के हुए हैं, उसके बाद में ये खंडित हुआ। आज हम देख रहे हैं कि 5 वर्ष लगातार चुनाव में हम रहते हैं। लोकसभा का चुनाव होने के बाद में लगातार हम देखे हैं कि इतने सारे इलेक्शन आए हैं और इसलिए उसके आचार संहिता, धन के अपव्यय, समय के अपव्यय, कार्य जो प्रभावित हो रहे हैं, जो पूरा उनको समय विकास में लगना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारे चुनाव में लगते हैं, चुनाव मोड में रहते हैं। इसके कारण जितना हम तेज़ी के साथ में आगे जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं रुकावट आती है और इसमें विकास तो हमारे प्रभावित होते ही हैं, साथ ही साथ में धन का, बाकी हमारे जो सेना से लेकर के शिक्षा के हमारे जो कार्य में लगे हुए जिनको हम चुनाव में लगाते हैं उनके शिक्षा के कार्य भी प्रभावित होते हैं। ऐसे समय में ये आयोजन महत्वपूर्ण है हमारे लिए है और ऐसे ही चर्चा के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से इसके सुखद परिणाम हमारे सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का जी जी मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। परसों हम लोग जब दिल्ली में थे मुख्यमंत्री जी के साथ में ही, उस समय सूचना आई कि धमतरी अस्पताल में उस समय भर्ती थी वो, उनके परिवार वाले से मुख्यमंत्री जी बात किए, डॉक्टर से बात किए और उसके बाद में यहाँ ले आए थे कि उनका प्रॉपर इलाज हो, लेकिन जो भगवान की इच्छा है उन्होंने इस प्रदेश में स्वच्छता को लेकर के एक मार्ग प्रशस्त किया और बकरी बेच करके जिस प्रकार से उन्होंने शौचालय बनाए, उस उम्र में गरीबी में एक नए रास्ता उन्होंने दिखाया। आज मैं इस अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान से यही कामना करूँगा कि ऐसे जो दिशा देने वाली माँ हैं उनको अपने चरणों में स्थान दे और साथ ही परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। परिचर्चा कराना तो ठीक है लेकिन इश्यूज़ पे फोकस सही होना चाहिए। आज कई बातें जो सामने आई उससे मेरे को भी ये समझने का मौका मिला कि इसके पीछे सोच क्या है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि चुनाव एक साथ इसलिए कराना चाहिए कि जो प्रमुख नेता हैं वो एक समय एक जगह रह सकें और बार बार उनको समय चुनाव के प्रचारों में न जाना पड़े और काम में ध्यान लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक साथ चुनाव कराने का कारण नहीं होना चाहिए। जो जहाँ पर जिनको जिम्मेदारी मिली है उनको वहाँ पर काम अपना ध्यान लगा के करना चाहिए और स्थानीय चुनाव या जिस स्तर के चुनाव हैं उसमें उस स्तर के लोगों को भागीदार बनने के लिए छोड़ना चाहिए। आचार संहिता के संदर्भ में भी बात आई और आचार संहिता से काम रुकते हैं, मैं नहीं समझता कि ये भी सही दृष्टिकोण था कि आचार संहिता लगती भी है मात्र 1.5 महीने 2 महीने के लिए, आजकल तो आचार संहिता भी बहुत कम समय के लिए लगती है और कोई काम रुकते नहीं है, नया काम मंजूर नहीं किया जा सकता है, केवल उतनी बात आती है। सबसे बड़ी बात जो एक साथ चुनाव कराने की है, ये क्रम टूटा क्यों? इसलिए नहीं टूटा कि किसी दल की बात थी या कोई और बात थी, कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, कहीं पर सरकारों को अपदस्थ भी किया गया, कहीं पर सरकारें अपना बहुमत नहीं रख सकें, इसलिए ये स्थिति आई कि चुनाव कराने की बात है। एक साथ चुनाव करा के आप ऐसी स्थिति को सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं कि सरकार नहीं गिरेगी, आने वाले 5 साल के लिए जो चुनी हुई सरकार है वो 5 साल तक ही चलेगी। इसका एकमात्र विकल्प है कि
पाँच साल के चुनाव अगर आप कल्पना कर रहे हैं कि हमको कराना है, तो साथ में ये कानून आपको लाना होगा कि अगर सरकार गिरती है तो जो भी अगले सरकार के रूप में जिम्मेदारी संभालेगा वो शेष पाँच साल के समय के लिए ही संभालेगा, पाँच साल के लिए नहीं संभालेगा। जब तक ये संशोधन नहीं आता है तब तक एक साथ चुनाव का क्रम जारी नहीं रह सकता। और एक बादशाह था दिल्ली का, वो भी राजधानी ले जा रहा था, कोई ऐसी काम हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि राजधानी हम उठा के ले जाएं, फिर पता चला बड़ी तकलीफें हैं, फिर वापस वहीं पर आना है। तो ये सारे बदलाव के पीछे मैं नहीं समझता कि, एक तो मैं नहीं मानता कि कोई आवश्यकता है, और दूसरा संभव नहीं है। हमारा जो प्रजातंत्र है उसमें ये संभव ही नहीं है कि अगर आप किसी चुनी हुई सरकार को पाँच साल का समय संविधान में देते हैं तो ये क्रम बन ही नहीं सकता। अगर सरकारें गिरेंगी, और वो गिरेंगी, आप उसको सुनिश्चित नहीं कर सकते कि 100 साल में जो चुनाव होंगे, 100 साल में जो जीत के आएगा वो ऐसे बहुमत से जीत के आएगा कि अल्पमत में नहीं आ सकता, ये संभव नहीं। सर, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो आपकी पार्टी से क्या तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर? पार्टी संगठन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हमने पोलिंग बूथ पे काम करने का एक निश्चय लिया है कि और मजबूती से पोलिंग बूथ में कांग्रेस के संगठन को खड़ा किया जाए। मास बेस्ड पार्टी ये कहलाती थी, जो अमूमन नेताओं के आधार के ऊपर चुनाव लड़ा करती थी। नेता अपने जगह रहेंगे लेकिन कार्यकर्ताओं को हर मतदान केंद्र में सुनिश्चित भूमिका देकर, तो हर मतदान केंद्र में कांग्रेस का संगठन तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में उस मतदान केंद्र के संगठन को समाहित करते हुए हर विधानसभा में एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी चलेगा। और 90 के 90 विधानसभा में आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि उसको पूरा भी कर लें। इस बार एक तीसरी पार्टी भी चुनाव में बहुत दमखम के साथ तैयारी कर रही है, तो आपको लगता है कि पक्ष और विपक्ष पर इसका कुछ प्रतिकूल असर पड़ेगा? इस समय दिखाएगा। अमूमन छत्तीसगढ़ में लोगों की सोच दो दलों के बीच में है, और कोई भी विकल्प के रूप में अगर सामने आना चाहता है तो एक समय तक उसकी चर्चा भी रहती है। अंततः जो मतदाता है, आज भी परिचर्चा में यही बात आई कि लोगों का अब सोचना कि जिसको भी हमको जिताना है एक ऐसे बहुमत के साथ उनको बैठाएं कि बार बार कमज़ोर होना, गिरना, बदलना, ये स्थिति ना रहे और काम करने का पूरे अवसर उनको मिले। तो आज के सोच जो मतदाताओं की है ये कांग्रेस और भाजपा के ही बीच में समाहित रहेगी। थोड़े बहुत वोट हर चुनाव में हमने देखा है कि इंडिपेंडेंस भी लड़ते हैं, अन्य दल भी लड़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ती है, कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ती है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी लड़ती है, सपा रकपा सब लड़ते हैं, लेकिन जो मतदाता का चयन रहता है वो कांग्रेस और भाजपा, यहाँ पर यही दो बड़े दल हैं आज के दिन। सर, अगर कांग्रेस की पार्टी आती है तो आप जनता के लिए कुछ तो सोचे होंगे ना कि करना है? वो हम लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अगर हम लोग 100 कहेंगे तो दूसरे 101 कह देंगे। ये जो घोषणा पत्र आना है, थोड़ा सा समय दे दीजिए, ये घोषणा पत्र सामने आ जाएगा और उसके आधार पे हम लोग क्या सोच रहे हैं ये भी स्पष्ट हो जाएगा। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कुछ कर रहा था, बीजेपी में ज्वाइनिंग की है? हाँ, मुझे कल पता चला कि कुछ लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया है। मेरे चहेते तो नहीं थे, राज्य से मेरे अच्छे संबंध थे, जो लखनपुर नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं आलोक दुबे जी, तो मेरे आलोचक और विरोधी ही माने जाते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। और डॉक्टर अनिल का एक नाम आया है भटगांवा से, वो राजनाथ सिंह जी के रिश्तेदार हैं और पहले से ही उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहा है। तो बाकी अब चुनाव में इसके क्या असर है अगर आप जानना चाहेंगे तो ये तो मतदाताओं के हाथ में है, वो तय करेंगे। जी, निश्चित रूप से पहले भी 4 चुनाव इस राष्ट्र में, और आज़ादी के बाद संयुक्त सरकार भी बनी, और उसके बाद यही देश था जिसने लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए। परिस्थितियां 1971 में निर्माण हुई जब केरल में केरल की सरकार को भंग करने किया गया, और उसके बाद लगातार जो सरकारों को अपने निहित स्वार्थों के चलते भंग करना, अपने निहित स्वार्थों के चलते कार्यकाल को बढ़ा देना, संसद का कार्यकाल बढ़ा देना, अपने अनुकूल देखते हुए कार्यकाल के पहले चुनाव करा देना, ये इस देश की परिस्थितियां रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक कमजोरी के वजह से सब हो रहा है। मैं तो मानता हूं कि यदि संविधान को ठोस बनाया जाए, संविधान में सर्वानुमति से यदि हमने संशोधन किए
और उन सब लेकुनस को जो कमियां हैं खामियां हैं उसको दूर करके यदि इस देश में नगरीय निकाय से लेकर के संसद तक सारे चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की, तो मैं मानता हूं कि एक लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए बहुत अनिवार्य होगा और देश की भावी पीढ़ी के लिए, जो देश आज विकास की तेजी से दौड़ रहा है, विकसित प्रदेशों की स्थिति में यदि लाना है तो सबसे बड़ा बाधक जो है वो चुनाव है, जिसमें करोड़ों रुपया अरबों रुपया काला धन ये सब बर्बाद होता है, समय की बर्बादी होती है, विकास प्रभावित होते हैं, हमारी सेना हमारे शिक्षक हमारे छात्र सब प्रकार से यदि बड़ी बीमारी है इस देश की तो उसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो बड़ा ऑपरेशन है वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। और मैं मानता हूँ कि देश की जनता यही चाहती है, आवाज़ उठी है, ये जन जागरण चालू हुआ है, ये लक्ष्य तक पहुँचेगा और निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब इस देश में और जो लोकतंत्र सेनानी संघ ने हमने एक अभियान पूरे देश में प्रारंभ किया है उसको सफलता निश्चित मिलेगी। इस प्रकार की पूरी चर्चा आगे भी जारी रहेगी निश्चित रूप से। अभी हमने दो दिनों पूर्व ही 20 तारीख को 21 तारीख को राजनांदगांव में और मीडिया के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग से इस प्रकार की परिचर्चा आयोजित की, आज रायपुर में हुई है, कोरबा में होगी, बिलासपुर में होगी, जगदलपुर में होगी, सरगुजा में होगी, ऐसे 6 स्थान हमने चिन्हित किए हैं, उन 6 स्थानों पर उसके बाद महाविद्यालयों में बाजारों में और एक चर्चा का विषय हम इसको बनाएंगे। ये पूरे देश भर में लोकतंत्र सेनानी संघ का अभियान है।